मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम माइसर सुधाम टीम। दिस इज माई सेकेंड वीडियो ऑफ ज्योग्राफी टू रिविजन लैंड सॉइल वाटर नेचुरल रिसोर्स एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिड टर्म एग्जामिनेशन। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरेज स्टूडेंट, मस्ट फोकस ऑन दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर कैरी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू कम्स इन द एग्जाम। सो द लैंड वाटर एंड वेजिटेशन, इसमें सबसे पहले है यहाँ कि हमारा लैंड क्या है। लैंड हम लोग जानते हैं, हमारा जो लैंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सस्टेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसमें हमारा जो लाइफ है बनाया रहता है, अगर लैंड नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगा, ठीक ना। हैबिटेबल मतलब होता है वो चीज़ें जो मैदान के रूप में होते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, सुटेबल होते हैं हमारे लैंड एग्रीकल्चर के लिए, उसे हैबिटेबल बोलते हैं। इनहैबिटेबल जो होता है वो आपका थोड़ा सा रग्ड होता है, उबड़ खाबड़ जगह होता है, ठीक ना, उसे इनहैबिटेबल कहते हैं। लैंड यूज आप जानते हैं, हम लोग लैंड यूज के लिए बहुत सारा यूज मिलाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, तो इस तरह से लैंड का यूज होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लैंड यूज पेटेंट्स, ये सब आपका किस तरह से लैंड का पेटेंट यूज किया जाता है। जिन बच्चों का नोट्स नहीं लिखा है वो इस वीडियो से नोट्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी लैंड क्या है, प्राइवेट लैंड क्या है, तो चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लैंड इज ओन बाय द इंडिविजुअल। यहाँ पे जब कोई इंडिविजुअल किसी लैंड को कैरी करता है तो उसे हम लोग प्राइवेट लैंड कहते हैं। कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटी, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर अगर किसी चीज़ को कैरी करते हैं या किसी तरह का बिजनेस करते हैं या किसी तरह का संस्था चलाते हैं, सो हम कम्युनिटी लैंड कह सकते हैं। जैसे फ्रूट, नट्स, फोडर, मेडिसिन, हर्ब्स, इस तरह से कम्युनिटी मिलकर काम करता है ना। कन्वर्जेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स का कन्वर्जेशन करना, किस तरह से हम लैंड को बचा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है। कॉमन मेथड यूज टू द कंजर्व लैंड रेवेन्यू रिसोर्सेज, कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम लोग लैंड का जो कन्वर्जेशन कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, तो एफोरेस्टेशन है, आप पेड़ों को उगा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन है, आप लैंड में सुधार कर सकते हैं। रेगुलेट एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग कर सकते हैं कि ज़्यादा ग्रेजिंग तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हम लोग जानवरों को खेतों पर छोड़ तो नहीं दिए। सो सम आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंड स्लाइड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो स्टूडेंट हु आर नॉट राइट दिस चैप्टर, राइट दिस, सॉइल हो गया या सॉइल फर्टाइल क्या हो गया या फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या हो गया, पेटेंट रॉक क्या हो गया, वेदरिंग क्या हो गया, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या हो गया या कन्वर्जेशन मेजर क्या है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या, गिरावट, सॉइल का हट जाना या सॉइल का ख़राब हो जाना, ये होता है आपका डिफोरेस्टेशन के कारण होता है, ओवर ग्रेजिंग के कारण होता है, ओवर यूज के कारण होता है। मेथड क्या है, तो बहुत सारा मेथड है, मल्चिंग हो गया, कॉन्टोर हो गया, रॉक डैम हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, तो या इंटर क्रॉपिंग हो गया, ये मेजर है ताकि और आपका जो यहाँ पे जो हमारा डिग्रेडेशन है वो नहीं हो, ठीक ना। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, ये चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। वाटर हो गया, वाटर हम जानते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, वाटर के बिना हमारा अर्थ जो है कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि वाटर कितना परसेंटेज है, देख सकते हैं आप, तो वाटर का हमारा जो परसेंटेज है सिर्फ फ्रेश वाटर का 2.7% है, जिसमें 70% जो है वो आप आइस शीट या ग्लेशियर के रूप में देखेंगे, और बाकी जो 30% है वो एसेबल है, मतलब जहाँ पे मतलब हम पहुँच सकते हैं, और इनसे एसेबल मतलब क्या, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं, जैसे ग्लेशियर में नहीं पहुँच सकते हैं, अंटार्कटिका में नहीं पहुँच सकते हैं, तो सिर्फ 2.7% में 30% ही जो है बहुत कम मात्रा में फ्रेश वाटर हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाया है कि किस प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने वाटर साइकिल को दिखाया था किस प्रकार से वाटर साइकिल बन सकता है, किस तरह से एवोपोरेशन होता है, या आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, तो ये भी एक तरह का वाटर साइकिल है। वो यूजेज ऑफ द वाटर बाय द ह्यूमन, किस प्रकार से वाटर को यूज करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। प्रॉब्लम ऑफ वाटर एबिलिटी, वाटर एबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। कन्वर्जेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर, क्योंकि इसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम समझेंगे, सब मिला के हम उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि आप वाटर रिसोर्स का कन्वर्जेशन कैसे करेंगे, वाटर को कैसे बचाएंगे, तो आप वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ
मतलब सरफेस को साफ करने के लिए आप वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनल यूज फॉर एरीगेशन, कैनल का नहरों का आप यूज़ कर सकते हैं एरीगेशन के लिए। फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन, फील्ड को आप प्रॉपरली लाइन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं लॉसेस बाय द वाटर सीफोज, वाटर का जो सीफोज होता है, सीफेज मतलब होता है आपका यहाँ पर रिसाव, जो वाटर जो बर्बाद हो जाता है। स्प्रिंकल इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड द एवोपरेट। यहाँ पर देख सकते हैं हम जो स्प्रिंकल करते हैं पानी को, जो छिड़कते हैं खेतों पे, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से छिड़कना चाहिए। इन द ड्राई रीजन विद द हाई रेट ऑफ द एवोपरेशन ड्रिप ट्रिकल एरीगेशन इज वेरी यूजफुल। आप ट्रिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्रिंकल का इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर कन्वर्जेशन के लिए, वाटर को बचाने के लिए। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। एंड द ड्रिप एंड ट्रिकल एरीगेशन क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिसके बारे में डिस्कस कराऊंगा वो आपका बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो रिविजन के रूप में मान सकते हैं, पर ओवरव्यू आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा। नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ क्या है, ठीक ना, हम सभी जानते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। अब बायोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द प्लानट अर्थ, प्लानट अर्थ का ये लेयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह का बायोस्फीयर है। इकोसिस्टम क्या है, हर चीज़ एक दूसरे पे निर्भर होता है, चाहे वो जानवर हो या वो इंसान हो, सभी एक दूसरे पे जुड़े हैं, एक दूसरे पे निर्भर है, या पेड़ पौधे हो, ये सभी चीज़ एक दूसरे पे निर्भर होता है, ये इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वेरियस थिंग प्रोवाइडेड बाय द प्लांट, क्या क्या प्लांट देता है। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड द एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट, जहाँ पे एनिमल बर्ड इंसेक्ट रहते हैं उसे हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं, है ना। सो ये हमारा डिवीजन फेज है, और आप इसे अगर नोट्स नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। डू यू नो, आप वल्चर के बारे में जानते हैं, गिद्ध के बारे में जानते हैं, या गिद्ध के बारे में भी एक स्टोरी है, आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टाइप वेजिटेशन टाइप कितना होता है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, स्क्रब्स हो गया, टुंड्रा हो गया। तो ये सब बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो हमें जानना चाहिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, या डिडिशियस फॉरेस्ट क्या हो गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सेड देयर लीव्स, अपना लीव्स को वो गिराता नहीं है, वो एवरग्रीन है, हमेशा वो हरा भरा रहता है। डिडिशियस फॉरेस्ट में आते हैं, सेड देयर लीव, ये लीव को गिराता है, ये हमेशा हरा भरा नहीं रहता है। तो आप जान सकते हैं दो तरह का पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें एक पत्ते गिरते हैं, पत्ते नहीं गिरते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड द वाइल्ड लाइफ, किस प्रकार से आप कन्वर्जेशन करेंगे। तो आप नेशनल पार्क बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, कन्वर्जेशन ऑफ क्रीक, खाड़ियाँ, लेक, वेट लैंड, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, लोगों को समझाया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक साइट्स है, जो एक तरह का प्रोग्राम है, जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए एक तरह का प्रोग्राम जो है इंटरनेशनली ट्रेड में अपनाया गया, जिसमें जानवरों को बचाने का मुहिम चालू किया गया था। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ये हमारा रिविजन क्लास है, इसलिए हम लोग इसका ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सीरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया लिंक विद थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क। बायोस्फीयर मतलब पूरा ग्लोबली लिंक्ड होना, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा रहना कन्वर्जेशन एंड डेवलपमेंट में, ना वो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया हमारा। फिर यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका हमारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा है, सजेस्ट थ्री वे टू कंजर्व वाटर, वाटर को बचाने के लिए आप तीन वे बताइए। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा वे हैं, आप किसी भी की तरह का इसमें शॉर्ट में दे सकते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन का, आप इसे देख सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसे। और ये हमारा जो मैचिंग क्वेश्चन है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रू फॉल्स हो गया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इससे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारा इस चैप्टर का, आप मैंने बताया था सजेस्ट जो वाटर कन्वर्जेशन, वाटर को जो रोकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक ना। तो ये आप जानें कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सजेस्ट थ्री वे टू कंजर्व वाटर। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल।
स्टेप बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व, क्या क्या लिया गया है देखते हैं। सेटिंग ऑफ द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है ताकि प्लांट को एनिमल को बचाया जा सके। कन्वर्जेशन ऑफ क्रीक, खाड़िया बनाया गया है, लेक बनाया गया है, वेट लैंड बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं बैन किया गया है किलिंग और हंटिंग पे, ताकि जानवरों का हंटिंग नहीं किया जाए या पोचिंग नहीं किया जाए, मतलब अवैध तरीके से उसका शिकार नहीं किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने रोक बैन लगाया है। इनकरेज किया है सोशल फॉरेस्ट्री को, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए वन महोत्सव को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी टू रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन ये हो गया, और आप देख सकते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, सो थैंक यू एंड मस्ट राइट क्वेश्चन आंसर ओनली, नॉट राइट द नोट्स। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नोट्स ओनली टू मेकिंग द इंटरनल क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिड टर्म एग्जामिनेशन, एंड एवरी एग्जामिनेशन के नोट्स विल बी helpful to every student. So thank you, make sure some questions are important and some questions are not important. If you understand what are the question important in this video, then you can get a good marks. So thank you.